8 बजे के करीब जो होता है इनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर जी को भी बुलाए हैं, उन्होंने भी मृत्यु घोषित कर दी थी कि भाई अब जाने में कुछ नहीं रहा। और भाई हमने अपनी तैयारी भी कर ली थी पूरी पूरी, और जिसमें कि भाई हमारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, फिलहाल भी है यहीं पर ही हैं सभी लोग, दो चार चले भी गए, और अपना सभी हमने सामग्री भी इकट्ठी कर ली थी, कुछ कुछ नहीं रह थी। फिर इनको करीब करीब 3 बजे के करीब फिर होश आई, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा मतलब हाथ पैर हिलाया, तो जैसे इसको बोला भाई आप क्या खाओगी, तो किसी ने बोला रसगुल्ले खाएगी, एक नहीं किसी ने बोला भाई हम जो भी मतलब ऐसे, एक ने बोला हमारा भाई है छोटा, उसने बोला दादी जी चाट खाओगी, इसने तुरंत बोला हाँ। तो जैसे ही फिर वो गुरुकुल से चाट लाया जाएगा, फिर इसको खिलाइए, उसके बाद जो मतलब फिर 8 बजे तक फिर ये पूरा बोलने लगी ऐसे ही जैसे ये पहले बोल रही थी। हाँ, कितने घंटे तक मूर्छित अवस्था? कम से कम 6-7 घंटे तक तो करीब करीब रही है। हाँ, और ऐसा तो बस बाकी फिर सब कुछ ऐसे ही भाई, लंबा चौड़ा परिवार है, उम्र भी करीब करीब 109-110 साल के करीब हो रही है इनकी, मैं इनका पोता हूँ, मेरी उम्र 50 साल हो रही, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लोग जो थे या तो उसमें थे, फिर एकदम से जैसे भाई इसको हो गया, फिर सब लोग भी मतलब फिर खुशी मनाने लगे, तो बड़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी सास है, इनकी 8 बजे के लगभग डेट हो गई थी परसों, और जी करीबन 6-7 घंटे के लगभग या मृत्यु घोषित हो गई थी, डॉक्टरों ने भी घोषित कर दी थी। और जी हम सभी रिश्तेदार आ गए थे, इनकी तैयारी कर रहे थे, फिर शाम के टाइम इन्हें होश आ गई, चमत्कार, यानी सांस आने पर एकदम खुशी मनाई सबने, सब परिवार ने, रिश्तेदारों ने। हाँ, अच्छा माहौल रहा।